एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों आज एक्टर प्रोड्यूसर रक्षित शेट्टी की फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है 777 40, और आज एक्टर रक्षित शेट्टी का बर्थडे भी है। तो यस, विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस हिम। तो उनकी फिल्म 777 40 विच इज डायरेक्टेड बाई किरण राज के, ये फिल्म एक कुत्ते के ऊपर डिपेंड है। पूरी फिल्म एक कुत्ते के ऊपर बनाई गई है। हालांकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक फिल्म ऑन एनिमल्स। ये बॉलीवुड में देखा जाए तो 1971 में साउथ के प्रोड्यूसर थिरुमुगन ने सुपरस्टार राजेश खन्ना और तनुजा को लेकर एक फिल्म बनाई थी, हाथी मेरे साथी, और बहुत सारे दूसरे जानवर भी थे। इस द बिगेस्ट हिट फिल्म ऑन एनिमल्स, हाथी मेरे साथी, 1974। उसके बाद आई थिंक 1985 में प्रोड्यूसर केसी बोकड़िया ने और डायरेक्टर विजय रेड्डी ने जैकी श्रॉफ पूनम ढिल्लों को लेकर एक फिल्म बनाई थी, तेरी मेहरबानियां, सुपर हिट एट द बॉक्स ऑफिस। उसमें कुत्ते का और जैकी श्रॉफ का जो प्यार बताया वो लोगों को बेहद पसंद आया था। तो वो भी जानवर पे फिल्म डिपेंड थी। उसके बाद केसी बोकड़िया ने काफ़ी फिल्में जानवर पे बनाई, और 1987 में डायरेक्टर शशिलाल नायर ने मिथुन चक्रवर्ती और मीनाक्षी सेतुपति को लेकर एक फिल्म बनाई, परिवार, जिसमें एक कुत्ता, बंदर और आई थिंक और कुछ रहता है। तो ये जानवर के साथ तीसरी फिल्म थी, वो भी सुपरहिट थी। और बाद में आई थिंक अभी कुछ हाल ही में कुछ साल पहले अक्षय कुमार की फिल्म आई थी एंटरटेनमेंट, अक्षय कुमार एंड तमन्ना भाटिया, तो उसमें भी एक कुत्ता था एंटरटेनमेंट, वो भी कुत्ते पे ही फिल्म थी। तो जानवर पे फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है, और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ऑडियंस थिएटर में आए। हालांकि ये जो फिल्म बनाई ये तो बहुत ही मुश्किल फिल्म है, क्योंकि पूरी फिल्म में कुत्ता ही है, और उसको देखने के लिए लोग थिएटर में आए, दैट इज़ अ मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। तो पिक्चर के जो प्रोड्यूसर है और एक्टर है रक्षित शेट्टी एंड डायरेक्टर किरण राज के, उनको सल्यूट करता हूँ कि इस तरह की फिल्म बनाई उन्होंने। आई होप द फिल्म इज गुड। उनका ट्रेलर तो मैंने देखा और ट्रेलर तो अच्छा लगा। आई होप द फिल्म इज ऑल्सो गुड एंड ऑडियंस कम टू थिएटर्स टू वॉच दिस फिल्म। तो इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती है, और साउथ वाले ये बना सकते हैं, एक सिर्फ एक कुत्ते की भी फिल्म वो लोग ही बना सकते हैं। कि एस एस राजामौली, उन्होंने तो एक मक्खी पे फिल्म बनाई थी एंड इट वॉज सुपर हिट, लोग थिएटर में आए थे देखने के लिए। सो एनीथिंग कैन हैपन। हालांकि बॉलीवुड में फिल्म बनती है तो जानवर होता है, लेकिन मेन लीड पिक्चर का हीरो ही होता है। हालांकि साउथ की फिल्मों में जो 777 40 है उसमें पिक्चर के हीरो तो है, लेकिन मेन लीड कुत्ता कर रहे हैं, जानवर कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो लेट्स होप ये फिल्म सुपर हिट हो और ऐसी फिल्में और बने। तो लेट्स वेट एंड वॉच, जब ये फिल्म रिलीज होगी तो कितना कमाल करती है। टिल देन दिस बॉय बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।